सो गाइस, आप भी चाहते हो कि आपका लैपटॉप है वो एक ही टच पे अपना शट डाउन हो जाए तो भाई वीडियो एंड तक देखना। सो गाइस, एक ही बटन पे आपको शट डाउन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने पीसी या फिर लैपटॉप के कंट्रोल पैनल पे। हालांकि जो ये ट्रिक है वो लैपटॉप पे ही ज़्यादातर वर्क करेगी, पीसी पे शायद नहीं करेगी वर्क। तो भाई सबसे पहले आपको जाना है कंट्रोल पैनल पे। सो गाइस, एक और बात, बहुत सारे बंदों को ये ट्रिक के बारे में पता होगा, लेकिन भाई जिसको नहीं पता तो भाई वो ये ट्रिक देखे और भाई समझे, शायद ये जो वीडियो है आपको थोड़ा सा काम आ जाए। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे आपको दिखेगा हार्डवेयर एंड साउंड का ऑप्शन, तो भाई यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको चले जाना है सीधा पावर ऑप्शन पे। पावर ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको जो सबसे पहले या फिर सेकंड नंबर पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, चूज व्हाट द पावर बटन डज। तो यार यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो भाई ध्यान से समझना पहले। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है व्हेन आई प्रेस द पावर बटन, तो भाई यहाँ पे आपको जो डिफॉल्ट है वो स्लीप पे रहेगा, ऑन बैटरी स्लीप पे है अभी। तो भाई हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, शट डाउन पे जाके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्लग्ड इन वाला ऑप्शन है यहाँ पे भी आपको सेम ही करना है, स्लीप से हटा के शट डाउन पे डाल देना है। और भाई यहाँ पे आपको एक नीचे दूसरा भी ऑप्शन दिखता है, जब आपकी लैपटॉप की जो लीड है वो आप क्लोज करोगे तो भाई क्या करता है अपना लैपटॉप, तो भाई उसके लिए भी आप सेम कर सकते हो, लेकिन भाई उसकी कोई इतनी ज़रूर नहीं है। हालांकि आप वो भी कर सकते हो, जैसे आप अपना लीड क्लोज करो तो आपका जो लैपटॉप है वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाए। लेकिन भाई अभी हम पावर बटन के बारे में बात करेंगे। तो भाई यहाँ पे आपको जो ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो अभी हमें ये चेक करना है कि भाई अगर मानो हमसे गलती से ये बटन दब गया तो भाई हमारा लैपटॉप जो है वो शट डाउन हो जाएगा, अगर हम किसी भी फाइल्स पर काम कर रहे हैं तो। तो भाई यहाँ पे मैं सिंपली एक नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ जस्ट चेक करने के लिए। तो भाई यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ और अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा, हालांकि ये फाइल अभी अनसेव है। देखो यहाँ पे मैंने सेव नहीं की है और भाई मैं इस बटन को दबा रहा हूँ, तो भाई देखते हैं अभी क्या होता है। सो भाई सिंपली हमें ये वार्निंग दे देता है कि भाई आपकी जो फाइल है वो अनसेव है, तो भाई पहले आप इसको सेव करो फिर बाद में शट डाउन करना। तो गाइस ये पूरी तरह से सेफ है, अभी अपने कोई पीसी के हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर के लिए कोई इशू नहीं है, रैम को भी कोई प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि जो ये शट डाउन होता है वो रेगुलर तरीके से ही करता है, यानी कि इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई ये ट्राई कर सकते हो आप अपना टाइम बचाने के लिए। सिंपली हम शट डाउन कैसे करते हैं, विंडोज़ पे जाके यहाँ पे पावर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके, और दूसरी जो ट्रिक है वो फंक्शन अल्टर और F4। सो भाई इनसे अच्छा है कि भाई ये एक ही बार दबाओ पावर बटन और अपना जो लैपटॉप है वो शट डाउन हो जाए। तो गाइस ये ट्रिक ट्राई करना, और भाई अच्छी लगे ट्रिक तो अच्छी और यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई पूरी तरह से सेफ है, आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई ऐसे ही ट्रिक्स अपना टाइम टू टाइम देखने के लिए बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।